स्टूडेंट वेलकम जी एम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स हो, चाहे वो किसी भी अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आपके ITJEE हो, गेट हो, PHU एंट्रेंस हो, या किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, और इंक्लूडिंग जो हमारे स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स 11 12 से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर आपके लिए डाल रहा हूँ। मेरे जाके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर वॉच करिएगा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लेकर के इसी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी आपकी पढ़ने के लिए, मैं चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ, एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और कॉलेजियस टीचर होने के कारण कभी काल हम देखते हैं कि बच्चे कुछ बुक खरीदते समय गलती कर लेते हैं और पूरे सेशन उस किताब को लेकर के पढ़ते हैं, लास्ट में वो कुछ अच्छी स्टडी ना करने के कारण या उनके पास अच्छी बुकें ना होने के कारण वो अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न होता है उनका बुक का सिलेक्शन। अगर आप बुक का सिलेक्शन सही करेंगे तो आप, मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे। और मेरे जो चैनल पर पहली बार आ रहे हो, मैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल पर आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के देखेंगे तो मैंने कई लेक्चर्स डाल चुका हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर्स के कुछ लेक्चर्स, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के और एमएससी प्रीवियस के, मैं फाइनल के भी डालने वाला हूँ जल्दी, एमएससी फाइनल से भी रिलेटेड। लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी बीएससी स्टूडेंट्स और एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स पर है ज़्यादातर, इसलिए कि एमएससी फाइनल तक का पूरा बुक यहाँ रिव्यू होने वाला है इस चैनल पर। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैं बीएससी थर्ड ईयर के पेपर पे आ चुका हूँ और बीएससी थर्ड ईयर के लिए अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट पेपर आपका रियल एनालिसिस है और फर्स्ट पेपर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पेपर बीएससी थर्ड ईयर कृष्णा प्रकाशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। और इसका अगर मैं बात करूँ तो यूनिट फर्स्ट आप देख ही सकते हैं, यूनिट सेकंड देख सकते हैं जिसमें सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, बाउंडेड है, यहाँ ये यूनिट सेकंड में आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। और बहुत से टॉपिक अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन है इनका, ओवरऑल मुझे ये कंटेंट भी इनकी बड़े अच्छे लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये किताब आपके फर्स्ट पेपर में आपके बहुत कारगर होने वाला है और बहुत अच्छी किताब है लिखा हुआ। एक पेपर मेरे पास और है जो आप देख सकते हैं आपके लिए है, वो पेपर आप ऐसे वाच करिए कि ये रियल एनालिसिस का ही वर्जन है, वंदना प्रकाशन है। और अगर मैं बात करूँ तो वंदना प्रकाशन में ये जो कंटेंट्स हैं आप देख सकते हैं, बेसिक्स इन्होंने पहले दिया है, फिर इसके बाद यहाँ से आपका लगभग सिलेबस शुरू है और आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से इन्होंने कंटेंट अपना बना के पॉइंट वाइज रखा हुआ है। तो ये भी बुक अपने आप में अच्छा है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं दो ही प्रकाशन आपको दिखाऊंगा, मेरे पास तो बाकी और स्टैंडर्ड लेवल में है जैसे एसके मापा है या और भी बहुत से पब्लिकेशन है। तो मैं आपको वही रिकमेंडेड करूंगा जो आपको बहुत आसानी से आपके एरिया में उपलब्ध हो जाए। तो कृष्णा और ये प्रगति प्रकाशन, ये तीनों आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। कृष्णा प्रगति प्रकाशन भी है, मैंने उसको निकाल नहीं पाया हूँ मैं, तो मैं सोचा कि आपको बता दूंगा कि आप ज़रूर वो सब तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, कृष्णा प्रगति या वंदना प्रकाशन में से कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं। ओवरऑल मुझे सभी के कंटेंट ठीक लगे हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम नहीं है। आपको रियल एनालिसिस में कम से कम दो किताबें तो ज़रूर रखना चाहिए, एक किताब से आपका काम नहीं होगा। एक आप लोकल जैसे किताब रखिए और एक बाहर फॉरेन राइटर की, या जैसे मैंने बताया एसके मापा है, आपको आगे चल के किसी भी कंपटीशन में काम देगा, ऐसी लेवल की कुछ बाहरी किताब रखिए जिसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट हो। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड पेपर है, ये बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो कृष्णा प्रकाशन इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और इनके पेजेस भी तो बहुत अच्छे हैं। और मैंने आपको बता दूं, मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे मेरा कंप्लीट लेक्चर प्रिपेयर है, आप ज़रूर जाके वॉच करिए, आपको बहुत काम देगा वहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कुछ टॉपिक मैंने स्किप किया है, वो मैं बाद में आपको एमएससी के लेक्चर के दौरान पढ़ाऊंगा, क्योंकि एमएससी में भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नाम से पेपर है, तो उस पर मैं जब डिस्कस करूँगा तो आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं अगर कहूँ तो किताब बहुत अच्छी है, एक आप ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक परचेज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ पेज देख ही रहे हैं आप, और थोड़ी सी मैं कहूँगा पेज ज़्यादा कंटेन कर रहा है, लेकिन जो ज़्यादा कंटेन करता है पेज, मैंने आपको बताया, तो वो एक्सप्लेन भी ज़्यादा करता है। सेकंड में आप देख सकते हैं कि ये वंदना प्रकाशन है, वंदना प्रकाशन की अगर बुक कहें तो इन्होंने अपने आप में बहुत इम्प्रूव किया, देख रहे होंगे कितना कम पेज है इनका। और
आपके ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कहें तो बहुत है, पर्याप्त है। अगर मैं देखूं तो एनालिटिक फंक्शन से लेकर आप कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट इनका बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ज़बरदस्त दिया हुआ है। एक किताब मैं ये भी आपको सजेशन दे सकता हूँ, थर्ड में आप देखिए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, प्रगति प्रकाशन। ये मेरा फेवरेट बुक है और मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर बात कहूँ तो कॉम्प्लेक्सिस, अभी मैंने जो लेक्चर्स आपको ज़्यादातर पढ़ाए हैं वो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ज़्यादातर, और मुझे इनके लिखने के तरीके बहुत पसंद है। आपको बताएं तो इनका लिखने का तरीका मुझे वर्ल्ड क्लास लिखता है, और बहुत मतलब इनकी बुक में बहुत कम मिरर है जो किसी और बुकों में आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी किताब है और मैंने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया है। एमएससी में भी मैं बच्चों को इसी को रिकमेंडेड करता हूँ। एमएससी में भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नाम से पेपर है तो वहाँ पे भी मैं रिकमेंडेड करता हूँ। और एक चलिए सेकंड थर्ड पेपर पे डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पेपर की अगर बात करें तो निमर्कनसिस नाम का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और निमर्कनसिस आप देख सकते हैं कि ये पहला बुक है वंदना प्रकाशन का। और अगर इस बुक की बात करें आपको तो ये बुक मुझे, आप देखिए कंटेंट इनके कंटेंट भी अच्छे हैं, किताब मुझे ओवरऑल ठीक ही लगता है, कोई इसमें बुराई नहीं है, किताब में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। लेकिन जो ओरिजिनली मुझे किताब पसंद है अगर सही बताऊं तो वो है प्रगति प्रकाशन की, उसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले आप देख लीजिए, एक जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन करके हैं सुधीर कुंदीर की, और इनके भी इनके तो पेपर और पेजेस बहुत अच्छी एक्सप्लेन है। और अगर बात करूं तो इनके लिखने तरीका बहुत अच्छा है, मैं इसको काफ़ी बच्चों को इससे पढ़ा भी चुका हूं, देख रहे होंगे पेजेस फोल्ड है, तो मुझे ये भी किताब पसंद है। और एक है राम प्रसाद की किताब, इनकी तो किताबें लाजवाब होती हैं निसंदेह, इनका लिखने के तरीका से लेके हर चीज़। तो ये भी इनका निमर्कनसिस से आप देख सकते हैं, सब मेरे पास स्पेसिमेन कॉपी है, ठीक है। ये मुझे एक तरह से टीचिंग की वजह से, पढ़ाने की वजह से, बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता ही रहता है। तो आप देख रहे होंगे इनका कंटेंट भी अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और इनके भी लिखने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। निमर्कनसिस में जो अभी मैं आपको बता रहा था प्रगति प्रकाशन, जिससे मैं आप ज़्यादातर पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो भी मुझे है निमर्कनसिस का ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप देख रहे होंगे इनकी पेजेस से लेके क्वालिटी ऑफ पेज से लेके हर चीज़ इनका बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ प्रगति प्रकाशन की ये किताब अपने आप में पर्याप्त है। एक और बुक है वो है कृष्णा प्रकाशन की किताब, आप देख रहे होंगे थर्ड ईयर थर्ड पेपर। और इसमें निमर्कनसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी भी है, इसमें भी निमर्कनसिस और प्रोग्रामिंग इन सी है, मतलब आपको दोनों मिल जाएगा। और साथ में ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं था, आप देख रहे होंगे वंदना प्रकाशन में भी निमर्कनसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी के कुछ पार्ट है, वो भी मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग आप समझ रहे होंगे ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, यहाँ पर बस फार्मूला को हम रन कराते हैं। तो ये आपके पास कुछ निमर्कनसिस की किताब है, ज़रूर इसको आप परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर परचेस करिए, क्योंकि ये बुकें अपने आप में बहुत अच्छी किताबें हैं। निमर्कनसिस में जो अभी मैं आपको बता रहा था प्रगति प्रकाशन, जिससे मैं आप ज़्यादातर पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो भी मुझे है निमर्कनसिस का ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप देख रहे होंगे इनकी पेजेस से लेके क्वालिटी ऑफ पेज से लेके हर चीज़ इनका बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ प्रगति प्रकाशन की ये किताब अपने आप में पर्याप्त है। एक और बुक है वो है कृष्णा प्रकाशन की किताब, आप देख रहे होंगे थर्ड ईयर थर्ड पेपर। और इसमें निमर्कनसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी भी है, इसमें भी निमर्कनसिस और प्रोग्रामिंग इन सी है, मतलब आपको दोनों मिल जाएगा। और साथ में ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं था, आप देख रहे होंगे वंदना प्रकाशन में भी निमर्कनसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी के कुछ पार्ट है, वो भी मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग आप समझ रहे होंगे ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, यहाँ पर बस फार्मूला को हम रन कराते हैं। तो ये आपके पास कुछ निमर्कनसिस की किताब है, ज़रूर इसको आप परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर परचेस करिए, क्योंकि ये बुकें अपने आप में बहुत अच्छी किताबें हैं। देख रहे होंगे चौथा पेपर हमारा ऑप्शनल पेपर होता है, यहाँ पे लिखा है फोर्थ पेपर थर्ड ईयर के लिए ऑप्शनल पेपर है, लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से, और एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री होता है। तो आप चाहे इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इनमें से कोई एक परचेस करिए, आपका परचेज भी करिए, और एक सब्जेक्ट इनमें से चूज करिए, चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग आप चाहे चूज करिए, चाहे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडर्न मैथमेटिक्स
के अगर बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो है स्कोप बहुत अच्छी है। और अगर मैं कहूँ बहुत से इंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक अगर हम आपको कहें इंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी हो एमएससी लेवल पर या कोई भी आईआईटी जेम जैसे इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कोई भी मतलब आकर आपको बताएं कुछ भी अगर मैं बताऊं लीनियर प्रोग्रामिंग रिसर्च से लेके हर जगह आपको काम देगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग की ये बुक आप देख सकते हैं बहुत अच्छी किताब है कृष्णा प्रकाशन की वशिष्ठा द्वारा लिखी हुई है और इनके थोड़े पेजेस मुझे डल लग रहे हैं लेकिन आने वाले समय में बहुत सुधार हो जाएगा मुझे जो लग रहा है। अगर मैं देखूँ तो इनके मटेरियल बहुत है और क्वेश्चंस पे इन्होंने बहुत काम किया तो ये आप एक बुक रिकमेंडेड कर सकता हूँ। एक बुक आप देख रहे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की गोल्डन वैली की मेरे पास है, ये शायद आपको मिलने में दिक्कत हो तो आप जो उचित समझिएगा अगर मिले तो ज़रूर परचेस करिए, मेरठ और आगरा की तरफ ये मिल पाएगा आपको। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑप्शनल पेपर को लेकर के कि लीनियर प्रोग्रामिंग पर जाएं या डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर जाएं, तो मैं अगर पर्सनली सलाह दूं तो लीनियर प्रोग्रामिंग पे आपके जाने लिए जाना चाहिए क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग का स्कोप आगे चल के आपको रिसर्च से लेके हर जगह सहयोग करेगा। और किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इस तरह की लाइनें अगर थ्री लाइनें जाएँ इनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनना उनका एरिया निकालना या उनके पॉइंट्स को निकालना मैक्सिमम पॉइंट को निकालना ये सब क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते रहते हैं और इंट्रेंस एग्जामिनेशन में खासतौर से आते हैं जैसे गेट हो नेट हो या आपके आईआईटी जेम हो तो वहाँ पे ये बहुत काम देने वाला है। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत कम स्कोप रह गया है, है इसका स्कोप अच्छा खासा स्कोप है रिसर्च से लेकर हर जगह लेकिन अब मैंने देखा जो लीनियर प्रोग्रामिंग का स्कोप है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अपेक्षा लड़के ज़्यादा इसको चूज कर रहे हैं और इस पर आपको रिसर्च जानकार गाइड भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और इस पर बात करें तो ये टेंशन एंसिल्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये पेपर अगर मैं सही बताऊं तो आपका ऑप्शनल बीएससी थर्ड ईयर का भी है और अब एमएससी प्रीवियस के लिए भी ये ऑप्शनल पेपर हो चुका है। तो अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग आगे चल के आपको एमएससी फाइनल में भी काम देगा अगर आप मैथमेटिक्स से जाते हैं और बहुत अच्छी किताब है अपने आप में। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपके दो पेपर मतलब दो ऑप्शनल पेपर्स हैं इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस है और बहुत से ऐसे मतलब पेपर्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस नाम के पेपर हैं। आप चाहें तो ऑप्शनल में उनसे भी जा सकते हैं लेकिन मैं सलाह दूंगा केवल इन्हीं दोनों में से कोई चूज करिए, वो आपके लिए बेटर है। एक है डिफरेंशियल मैनिफोल्ड है, आप चाहे जो ले सकते हैं आपका च्वाइस है। आपके पास अगर उस टीचर का जानकार है जैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री लीनियर प्रोग्रामिंग या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या जो भी स्टैटिक्स रिलेटेड आपके पास जो टीचर उपलब्ध हो और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो विथ फुल सिलेबस तो आप उसके अनुसार चलिए क्योंकि ऑप्शनल पेपर आपको नंबर देने में ऑप्शनल पेपर अपने आप में बहुत काम देगा। तो ओवरऑल आप कहें तो आज मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैंने आज ये थर्ड ईयर का भी वीडियो बना दिया है। अब आप को मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा एमएससी प्रीवियस से रिलेटेड बनाऊंगा, फाइनल के लिए बनाऊंगा, जो भी कुछ पेपर्स उनके लिए मैं कहूंगा। तो अगर ये जो मैंने आपको वीडियोस बना के बुक के माध्यम से समझाया है तो जो आपको ठीक लगे आप खुद जा करके बुक परचेस करिए और वहाँ से पर खुद पढ़ के देखिए कि कितना अच्छा एक टॉपिक एक्सप्लेन है और वही टॉपिक आप दूसरे में देखिए तीसरे में देखिए तब आप समझ पाएंगे बुक कौन सी अच्छी है। क्योंकि हम सब भी जब पढ़ते हैं किसी को पढ़ाते हैं तो एक बुक से नहीं पढ़ते हैं, कई बुकों से पढ़ के उसका निचोड़ आपको देते हैं। तो इसलिए अगर ये कहें कि एक किताब मैं कहूँ कि पर्याप्त है अपने आप में तो ये गलत होगा। आप एक या एक से अधिक बुक मैथमेटिक्स के सभी पेपर में रखिए ज़रूर, इससे आपके प्रोग्रेस में बहुत सहायता मिलेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो न्यू व्यूअर्स हैं इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले समय में जो लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लेक्चर्स होंगे वो आपको मैं दे पाऊंगा तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे मैं अभी तो नहीं बनाने वाला वीडियो, बनाऊंगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक आपके पास बहुत से मैंने राइटर्स और पब्लिशर्स को मैंने आपको दिखाया। चाहे पेपर मैं देख रहा था कि मैंने आपको यूनिट वाइज कंटेंट वाइज और पेजेस वाइज आपको मैंने दिखाया कि उनकी क्वालिटी क्या है, लिखने का तरीका क्या है। और मेरे ओपिनियन से मैंने भी बताया आपको कि मैं कौन कौन सी बुकों को ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं किसी एक बुक के एक टॉपिक को भी पढ़ाने के लिए मैं अलग अलग बुक के राइटर्स को नोटिस करता हूँ। इसलिए हो सकता है कि कोई एक टॉपिक किसी बुक में अच्छा दिया हो और किसी में उस तरह ना एक्सप्लेन किया हो तो
अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, मैं उनको कहूँगा कि वो बुक जब भी परचेज करें, कोई भी बुक जाएं ऑब्जर्व करने या बुक लेने शॉप पर, तो सबसे पहले 2-3 राइटर की बुक उसी पर्टिकुलर पेपर पे मंगा लीजिए और आप खुद देखिए कि कौन सी बुक ज़्यादा मटेरियल कंटेन कर रहा है, कौन से एक टॉपिक पकड़िए, एक टॉपिक जो आपको आता हो, चाहे आपके इंटर लेवल पर हो चाहे आपके ना जानते हो, एक टॉपिक को आप मैच करिए दोनों बुकों से कि कौन सा बुक ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। और जो ज़्यादा एक्सप्लेन करके, जो ज़्यादा एग्जांपल्स आपको, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हो, मेरे ओपिनियन से वही बुक लेना चाहिए, न कि किसी भी कहने से, किसी भी मतलब टीचर्स के कहने से कि आप कोई भी बुक परचेस कर लें। क्योंकि देखिए, अगर मैं बताऊं, एक टीचर तो एक बुक से कभी नहीं पढ़ता। मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, तो मैं खुद 2 बुकें मिनिमम परचेस करता था, या 2 से ज़्यादा 3 राइटर भी मैं अपने समय रखता था। तो मैं भी आप सबको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप एक बुक से कभी सफिशियंट मत समझिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कि इसमें टीचर्स पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखवा देंगे और मतलब टीचर्स पढ़ाने के बाद कुछ बुकों से हमारा हेल्प हो जाएगा एक बुक से। तो मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस हुए, चाहे उसके थ्योरम्स हुए, चाहे उसके कॉन्सेप्ट हुए, चाहे उसके एग्जांपल्स हुए, आपको हर बुक से वाच करना चाहिए, हर बुक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसी की उसका एक अपना नोट्स बनाना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप सबके लिए यही है कि आप ऐसी बुकों को जरूर कंटेंट इकट्ठा करें कि जो आप देखें कि उनमें कुछ खास दिया हो। तो और उनके अलावा भी आप एक से अधिक राइटर जरूर रखें, एक से अधिक पब्लिकेशन जरूर रखें। केवल एक बुक तक सीमित रहना, वो भी बीएससी में मैथमेटिक्स में, जहां पर आप हायर मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, आगे चल के आपको मैथमेटिक्स से या किसी साइंस से आगे जाना है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको कुछ भी नहीं जाना है तब भी आप कम से कम 2 राइटर की बुक जरूर रखें। इससे आपका दिमाग भी चलेगा और आपको डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट्स बनाया है जिसमें बीएससी के बुक्स के बारे में चर्चा किया हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो। और मैं बाकी अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, मैं उनका भी वीडियो बना के बुक वाइज, पेपर वाइज डालने वाला हूँ। और जो मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स के, मैं उनको भी कह दूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनके 6-6 पेपर होते हैं और उनके भी पेपर्स के डिफरेंट राइटर के साथ मैं जल्द ही अपने चैनल पर प्रेजेंट रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को जरूर वॉच करते रहें और अपडेट रहें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।